तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज के इस लेक्चर में हमें करना क्या है। जैसा कि गाइस आप जानते हो कि आपके पैकेज के अंदर कुछ एग्जाम्स होते हैं, तो अभी यहाँ पर आप देखोगे एडमिन साइड पर, मैं थोड़ा पेज रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखोगे अभी बेसिकली पेज रिफ्रेश ही हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपके दो पैकेज एग्जाम्स हैं, आपका पैकेज वन एग्जाम है और एक आपका न्यू सेकंड पेड पैकेज है, ठीक है। मतलब ये एग्जाम का नेम है, ठीक है। पर यहाँ पर आप देखोगे स्टूडेंट साइड पर, तो फ्री एग्जाम्स के अंदर यहाँ पर आपके वही दो एग्जाम्स यहाँ पर इसको अवेलेबल है। मतलब कि विदाउट बाय करे पैकेज को यहाँ पर इसे शो हो रहे हैं, और यहाँ से ये कॉपी लिंक करके डायरेक्ट दे भी सकता है एग्जाम को, ठीक है। पर यहाँ पे हमें इसे प्रिवेंट करना है। हमें क्या करना है आज के इस लेक्चर में, हम जो करने वाले हैं, हम क्या करेंगे एग्जाम, सॉरी, जैसे कि ये जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, जब तक हम इसे ये दो एग्जाम्स नहीं दिखाएंगे, मान के चलिए मैं तो दो एग्जाम्स का मान के चल रहा हूँ, आपके कई एग्जाम्स हो सकते हैं पैकेज के अंदर, ठीक है। तो मतलब जो जो एग्जाम्स पैकेज के अंदर होंगे, वो जब तक स्टूडेंट को नहीं दिखाई देंगे, जब तक कि वो पेड पैकेज नहीं कर लेता, मतलब कि पैकेज को बाय नहीं कर लेता या उसकी एक्सपायरी डेट नहीं आ जाती करीब, ठीक है। तो जब तक वो यहाँ पर इसके पास नहीं सो होंगे इस जगह पर, ठीक है, तो उसे सबसे पहले पैकेज बाय करना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर दूसरा स्टेप जो हम करेंगे वो होगा कि स्टूडेंट को पैकेज शो कराना है, ठीक है, जिससे कि वो बाय कर पाए। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, थोड़ा यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूंगा, ज्यादा लेक्चर को मैं बड़ा नहीं करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसे प्रिवेंट करना है कि यहाँ पर ये वाले एग्जाम शो ना हो जो कि उसके पेड है और पेड पैकेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, पर उनकी डेट एक्सपायरी नहीं हुई, ना किसी स्टूडेंट ने उन्हें बाय किया, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ अपने रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर। तो अभी हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, बेसिकली डैशबोर्ड पर ही आपके फ्री एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वो डैशबोर्ड की फाइल है जहाँ पर आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, जो कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनको हमें कैसे प्रिवेंट करना है, तो लाइक अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो तो जिसमें हमने इसे प्रिवेंट करके शो कराया था, समथिंग कुछ इस तरीके से ही होगा। तो मैं कोड वहां से थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि मेरे को यहाँ पर टाइप ना करना पड़े, ठीक है, वरना आप भी कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ पर पैकेज डैशबोर्ड नहीं है, बेसिकली एग्जाम डैशबोर्ड, ठीक है, आई थिंक एग्जाम डैशबोर्ड ही था, हाँ यही था, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर यार देख लीजिएगा कि मैंने ये क्या किया हुआ था, क्योंकि ये उसी के बेस पर है सारा कुछ। तो मैं यहाँ से जो है इतने पार्ट को जो है कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं इतने पार्ट को यहाँ से कॉपी करके इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर आ जाऊंगा जहां पर ये मेरा फोर ईच लूप चल रहा है, तो मैं इसके अंदर वर्किंग करूंगा। तो मैंने वो सारा का सारा कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, मैं थोड़ा इसे स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पर जो है थोड़ा रख लेता हूँ। इसकी एक्सपायरी फोर ईच लूप एंड देन ये आपका, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर, ठीक है, ये बेसिकली उसका कोड था, पर यहाँ पर हमें चेंजेस करने होंगे, तो मैं इन स्पैन्स को हटा देता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर इस कोड को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आपका फोर ईच लूप कहाँ आ गया, ये रहा, ठीक है, ये फोर ईच लूप है आपका, हर एक एग्जाम आ रहा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली एग्जाम के पैकेज के अंदर से डेटा निकाल रहे हैं, पैकेज का डेटा, ठीक है। तो मतलब एग्जिस्ट करता होगा तो निकाल के दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आपका टी आर पूरा है इसको हम कट करते हैं यहाँ से, और हम इसको रखेंगे कहाँ पर वो मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा इसे अंडर कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इफ एल्स इफ और ये एंड इफ है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर करते हैं, हमें यहाँ पर एल्स लगाने की नीड नहीं है, हम इसी के अंदर वर्किंग करेंगे। और मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, पूरा का पूरा टी आर टी डी मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एग्जाम आईडी यहाँ पर हमने डिस्प्ले किया हुआ है, इसको हटा करके हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, जिससे कि ये यहाँ पर कॉल होती रहे, जिससे कि डेटा हमें मिलता रहे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, हर एक फोर ईच के अंदर एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, आपको भी पता है। यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली हमें यहाँ पर चेक लगाना होगा कि इस पैकेज एग्जाम नॉट इक्वल हो, या फिर आप फॉल्स भी कर सकते हो, इक्वल इक्वल फॉल्स हो या मैं नॉट इक्वल ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। एंड डेट जो है वो एक्सपायरी से आउट हो चुकी हो, ठीक है। लाइक मान के चलिए जो इसकी एक्सपायरी डेट थी इस पैकेज की, लाइक मैं यहाँ पर इस पैकेज के अंदर जाता हूँ, तो किसके अंदर ये है बेसिकली, पैकेज वन एग्जाम की मैं बात करूँ तो पैकेज वन एग्जाम, मेरा एग्जाम, इसकी एक्सपायरी डेट थी 22, ठीक है।
तो अभी तो आने वाली है बारिश, ठीक है, तो अभी ये जो है यहाँ पर सो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आज की जो है हमारी करंट डेट यहाँ पर निकली है, मैं यहाँ पर और लगा के चलूंगा, ठीक है, क्योंकि और लगाना है मेरे को, दोनों चीजें मेरे को चेक करनी होंगी कि अगर वो एग्जाम पैकेज एग्जाम नहीं है, ठीक है, इस पैकेज एग्जाम मतलब कि उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, वो पैकेज एग्जाम नहीं है तो क्या हो, तो ये TRTD चल जाए आपका। और अगर ऐसा होता है कि वो अगर ट्रू होता है तो फिर इसे चेक करेगा कि आज की डेट से हमें यहाँ पर चेक करना, आज की डेट ग्रेटर देन हो आपकी एक्सपायरी डेट से। लाइक मान के चलिए अभी एक्सपायरी डेट 22 है, तो आपको पता है कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, दोनों ही कंडीशन ये फॉल्स होंगी इन दोनों केसेस के लिए, इन दोनों एग्जाम्स के। लाइक मैं इसे सेव करके जो है आपको रन करके दिखाता हूँ स्टूडेंट वाली जगह पे। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, अब आपको दो एग्जाम्स दिखाई दे रहे हैं, बाकी दो एग्जाम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाकी दो एग्जाम्स इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनकी एक्सपायरी डेट नहीं आई है, जो निकल नहीं चुके हैं, और ना ही वो किसी ने पेड किए हैं, मतलब उसे ना तो किसी ने खरीदा है, ना ही उनकी एक्सपायरी डेट निकली है जिससे कि वो आपको यहाँ पर फ्री एग्जाम्स के अंदर शो हो पाए, ठीक है। लाइक अभी हम क्या करते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट को निकाल देते हैं, ठीक है। लाइक मैं मान के चलता हूँ, मैं डेटाबेस से हैंडलिंग करता हूँ, तो यहाँ पर देख पा रहे हो दोनों की 22-22 है। लाइक मैं इसकी कर देता हूँ 19 तारीख, सॉरी 20 कर देता हूँ, क्योंकि अभी तो 21 हो चुकी है, मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक ये अभी पूरा नहीं हुआ ना डे, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पर मैंने कर दिया, देख सकते हो यहाँ पर वो वाला एग्जाम आ चुका है जिसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपायरी डेट कैसे कंप्लीट हुई है देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने 20 कर दिया और अभी जो डेट चल रही है वो 21 चल रही है, ठीक है। तो मतलब 21 से लेस देन ही है, तो यहाँ पर हमने लगा रखा है चेक कि अगर 21 मतलब जो करंट डेट है आपकी ज्यादा होती है एक्सपायरी डेट से, तो क्या हो आपका ये एग्जाम शो हो जाए, ठीक है। वरना यहाँ पर आपका चल ही रहा है सारा कुछ, और लाइक मान के चलिए अभी जो है आपका एक पैकेज एग्जाम जो है एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट हमने मैनुअली टाइप कर दी है, ठीक है। लाइक अभी मैं जो है इसकी मैनुअली से हटा देता हूँ, इसकी जो 21 थी वो हम कर देते हैं यहाँ पर, सॉरी 22 थी बेसिकली इसकी, तो अभी जो है यहाँ पर गायब हो चुका है, ठीक है। तो अब ये एग्जाम्स ना तो आपको फ्री के अंदर मिलेंगे ना पेड के अंदर मिलेंगे, पेड़ से तो हमारा अभी रिश्ता है ही नहीं क्योंकि अभी हम पेड पैकेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया इतना कि कैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्स के अंदर नहीं आने दिया जो पैकेज एग्जाम्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, और किसी स्टूडेंट ने अभी बाय नहीं किया और ना ही उनकी एक्सपायरी डेट अभी आई है, ठीक है। अगर एक्सपायरी डेट आएगी तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, अगर किसी ने पेड किया है तो वो लॉजिक हम आगे चल करके ऐड करेंगे कि कैसे हमें अगर किसी स्टूडेंट ने बाय कर लिया पेड पैकेज को, तो कैसे वो पैकेज के एग्जाम्स को हमें यहाँ पर शो करना है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे फिर कभी। पर हमने इतना कर लिया, अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि कैसे स्टूडेंट देख पाएगा कि मेरे पैकेजेस क्या हैं जिनको मैं बाय करके अपने एग्जाम्स बाय कर पाऊँ, ठीक है। तो उस पर डिस्काउंट वगैरह देते हैं बेसिकली पैकेज पर, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ डिस्काउंट दे करके चलिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके दो पैकेजेस हैं, इन दोनों को सेम एज इट इज मेरे को यहाँ पर शो कराना होगा, ठीक है। पर यहाँ पर डिलीट और एडिट का ऑप्शन है, हमारे यहाँ पर डिलीट और एडिट का नहीं होगा, सामने होगा पेड का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब मैं एक राउट क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले, तो राउट्स में चलते हैं, राउट्स 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 नीचे आएगा web.php एंड देन स्टूडेंट के लिए हम एक राउट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेम इसी को गेट वाले को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर कमेंट लिख देता हूँ, सो पेड पैकेजेस, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया है, एंड देन यहाँ पर मैं एक राउट क्रिएट करने वाला हूँ जिसका नेम होगा पेड पैकेज प्लान्स, ठीक है, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ पेड पैकेज प्लान्स, ठीक है। एंड देन यहाँ पर क्या होगा, एक मेथड कॉल करेगा लाइक पेड पैकेज प्लान, पेड पैकेज प्लान्स कर लेता हूँ, ठीक है। सेम मैं इसको नेम भी दे देता हूँ जिससे कि हम राउटिंग में यूज कर पाए इसको इजिली, तो ये नेम भी दे दिया है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा उधर चले जाते हैं लेआउट के अंदर, जहाँ पर स्टूडेंट के लेआउट के अंदर हम ऐड कर दें इसको, ठीक है। तो लेआउट के अंदर आ चुका हूँ मैं, स्टूडेंट लेआउट, और यहाँ पर आने के बाद मैं किसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि ये जो आपका पेड एग्जाम है उसी के नीचे आ जाए, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और ये जो पेड पैकेज प्लान नाम का नेम था उसके राउट में,
तो वो हम यहाँ पर पास कर देते हैं और इसको हम रख देते हैं गिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट जैसा ही कुछ पैकेज दिखाई देता है, आपको पता ही है। तो पेड पैकेजेस, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पर अभी हमने पीएचपी आर्टिजन ऑप्टिमाइज नहीं किया, वरना ये एरर तो देगा ही देगा आपको, इसलिए। तो क्लियर स्क्रीन पीएचपी आर्टिजन ऑप्टिमाइज, अभी हमने मेथड भी क्रिएट नहीं किया है तो उसके लिए भी एरर देगा अभी, तो अभी हम वो कर लेंगे, तो सर्व कर लेते हैं इसे। तो अभी हम क्या करते हैं, मेथड क्रिएट कर लेते हैं, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। तो मेथड नेम इज पेड पैकेजेस, पेड पैकेज प्लान्स। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने HTTP कंट्रोल, सॉरी गाइस क्या हो रहा है, HTTP कंट्रोलर्स एंड देन आपका स्टूडेंट कंट्रोलर। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर अपना क्या बोलते हैं पैकेज नाम का मॉडल मॉडल यूज करना होगा। तो यहाँ पर आते हैं हम पैकेज। ठीक है, अब मेरे को मेथड क्रिएट करना था पेड पैकेज प्लान्स का, तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं लास्ट में, और यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ मेथड पब्लिक फंक्शन पेड पैकेज प्लान्स, एंड देन आपकी रिटर्न कराना होगा यहाँ से आपको डेटा। तो क्या क्या रिटर्न कराना, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है डेटाबेस में। आप देखोगे तो पैकेज नाम की हमारे पास टेबल है जिसके अंदर आपका डेटा डला हुआ है, तो हम यहीं से सारा डेटा लेने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पैकेज कॉलन कॉलन एंड देन ऑर्डर वाई हम करके चलते हैं डेटा को। मैं ऑर्डर वाई करके चलता हूँ, क्रिएटेड एट को यूज कर लेता हूँ, जो करंट में क्रिएट किया होगा वो सबसे टॉप पर आएगा। ठीक है, तो क्रिएटेड एट DESC में पास कर देता हूँ और मैं यहाँ से सारा डेटा गेट कर लेता हूँ। ठीक है, जितने भी पैकेज होंगे, और मैं इसको रख लेता हूँ एक वेरिएबल में पैकेजेस करके। ठीक है, और मैं यहाँ से रिटर्न कराऊंगा एक व्यू, रिटर्न व्यू। और रिटर्न व्यू में हम क्या कराएंगे, बेसिकली स्टूडेंट के अंदर जाओ, उसके अंदर हम एक व्यू क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रख लेते हैं कुछ इस तरीके से ही रख लेते हैं, सेम पेड पैकेजेस प्लान। ठीक है, और मैं यहाँ से कॉम्पैक्ट करके डेटा को पास कर देता हूँ, कॉम्पैक्ट एंड देन आपका पैकेजेस। ठीक है, पैकेजेस मैंने पास कर दिया, इस नेम से मैं व्यू क्रिएट कर लेता हूँ, और मेरे को सेम एज इट इज व्यू क्रिएट करना है, जैसा कि एडमिन साइड पर था, मैंने दिखाया था ना आपको ये वाला, नहीं ये वाला। ठीक है, तो इसको हम सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेंगे बेसिकली। तो स्टूडेंट की तरफ मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू फाइल डॉट ब्लेड डॉट PHP ब्लेड। ठीक है, और मैं एडमिन की तरफ से जा करके पैकेज डैशबोर्ड जो था इसको मैं कॉपी करता हूँ, सारा कॉपी नहीं करता मैं, बेसिकली मैं यहाँ से क्या करता हूँ, थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, टेबल टेबल का डेटा कॉपी करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से कहाँ तक है ये रहा। ठीक है, टेबल टेबल मैं उठाऊंगा यहाँ से, और बाकी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अभी मेरे को यहाँ पर एट द रेट एंड सेक्शन लगाना होगा, एंड सेक्शन। ठीक है, और मेरे को यहाँ पर स्टूडेंट का लेआउट भी प्रोवाइड करना होगा, ये एडमिन का चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ से हम ऐड बटन को हटा देंगे, ये एडमिन के लिए था बेसिकली। और बाकी तो सब परफेक्ट है, पैकेजेस नाम का आपका वेरिएबल आ ही रहा है कंट्रोलर से। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या होता है। तो आ चुका है डेटा, अभी ऐसा ऐसे नहीं आया, अभी पेड पैकेजेस पर जाते हैं हम। तो पेड पैकेजेस प्लान के नाउ राउट पर हम आ चुके हैं, जहां पर आपके दिखाई दे रहे हैं पैकेजेस। तो यहाँ पर आपके पैकेजेस आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये डिलीट और एडिट को हम हटा देते हैं क्योंकि ये तो एडमिन का काम है, तो यहाँ से हम इनको हटा देते हैं, और इनके जो टीडी टीएच थे उनको भी हटा देते हैं डिलीट और एडिट के। तो अभी इस तरीके से आपका व्यू आएगा स्टूडेंट तरफ तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा गाइज, बेसिकली जो हम देखेंगे आगे के लेक्चर्स में, कि यहाँ पर जब एक पेड बटन होगा और जहां से वो बाय करेगा इन USD और इन INR, ठीक है, हमारी दो करेंसी चल रही है इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो दोनों के अंदर बाय कर सकता है अपने इस पैकेज को। और यहाँ पर जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी एंट्री जाएगी आपके, जहां पर आपकी टेबल में जाती है, कौन सी टेबल है वो, बेसिकली आपकी हाँ एग्जाम पेमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर चली जाएगी, और फिर इजिली हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे डैशबोर्ड पर, तो जैसे ही इसे पेड कर लेगा बाय कर लेगा अपने पैकेज को, तो यहाँ पर वो एग्जाम शो हो जाएंगे जो कि उसने अनलॉक किए हुए हैं बाय करके पैकेज। ठीक है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो ध्यान ना भूलिएगा। सो थैंक यू।